फिलहाल एस बी के एफ सेवंथ नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो इवेंट, क्या शानदार ये वेन्यू देखिए आप। एस बी के एफ के सेवन नेशनल गेम्स इंदौर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर, खूबसूरत वेन्यू, और नज़र डालते हैं ताइक्वांडो के पार्टिसिपेंट्स पे। इसमें आप जानते हैं ताइक्वांडो इवेंट जो कि मेंस एंड वेमेंस दोनों में खेला जाता है और बहुत ही खूबसूरती से फिलहाल आप नज़र डालते हैं। फिलहाल हमारे एस बी के एफ के ज़बरदस्त से समय खेल को तराशने के लिए शिवा तिवारी मैम और साथ में उनके ऐश्वर्या मैम जो कि आज की अतिथि। शिवा मैम के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि को फाउंडर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी एस बी के एफ के, और देखिए बच्चों का उनके स्नेह उनका इससे बेस्ट ताइक्वांडो इवेंट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छी शुरुआत आक्रामकता के साथ, क्या शानदार किक लगाए, बहुत लाजवाब अंदाज में। फुर्ती का खेल है, स्टेबिलिटी का खेल है, फिटनेस का खेल है, एक्यूरेसी का खेल ये ताइक्वांडो इवेंट। बताना चाहूँगा आपको कि इसमें उमसे और कुर्गी क्यूर्गी बात करें ज़बरदस्त से, इसमें अलग अलग दो विधा में खेला जाता है पुमसे और क्यूर्गी। और देखिए हमारे मैच ऑफिशियल्स आनंद जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स, और पूरी टीम इस समय जिस तरीके से कार्य करते हुए कमाल का ये शानदार ताइक्वांडो इवेंट। देखिए मैच ऑफिशियल्स हिदायत देते हुए प्रॉपर तरीके से खेला जाता है। बिलाल इस समय अच्छा किक खूबसूरती से अनबैलेंस किया, ये गेम प्रभावित करता है ताइक्वांडो का, मार्शल आर्ट से मिलता जुलता खेल है ये ताइक्वांडो। और देखिए कितनी फुर्ती के साथ इस समय प्रॉपर शानदार तरीके से एक दूसरे पे लगातार इस समय कोशिश करते हुए हावी होने की, बेहतर इस समय किक लगाते हुए और जिस अंदाज में पैरों के सहारे पलक झपकते बैक टू बैक इस तरीके के किक, प्रभावित करने वाला खेल ये ताइक्वांडो का, लाजवाब तरीके से इस समय ये इवेंट देखने को मिलता हुआ जिस खूबसूरती से वो प्रशंसनीय है। और आपको बताना चाहूँगा इस बार हवा में उछल करके क्या लाजवाब बेहतरीन शानदार अंदाज में ताइक्वांडो के प्रतिभागी अपने परफॉर्मेंस दिखाते हुए, और इसी बीच हवा में कितनी खूबसूरती से रिप्ले में देखें आप ताइक्वांडो के पार्टिसिपेंट्स इसे शानदार तरीके से। 20 राज्यों से ज़्यादा इस समय प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3000 से ज़्यादा। ऑर्गेनाइज बाय संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन, पावर्ड बाय एमपी ओलंपिक एसोसिएशन, सपोर्टेड बाय इंदौर नगर निगम, ग्राउंड चैपल ऑफ इंडिया, होस्टेड बाय इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए इस समय ताइक्वांडो में क्या खूबसूरती से एक पैरों के सहारे बॉडी बैलेंस भी रखना बहुत इसमें अहम होता है, क्या खूबसूरती से इस समय कार्य करते हुए। और देखिए बैक टू बैक इस समय किक फ्लरी ऑफ किक ये प्रभावित करने वाली बात है। इसी बीच मैं थैंकफुल हूँ हमारे स्पॉन्सर्स का भी, और देखिए ये तो लाजवाब, ये तो अब अद्वितीय था, अमेजिंग। इस बार ये किक कितना शानदार तरीके से अपने आप को इस बार उन्होंने कंट्रोल रखा और बेहतर तरीके से बॉडी का नियंत्रण और जो किक लगाए रहे। आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पीछे एम्बुलेंस का ये तमाम फैसिलिटी, साथ ही साथ प्रॉपर पानी की व्यवस्था, गर्मी ज़्यादा है जिस वजह से एस बी के फिर से शानदार प्लेटफॉर्म देते रहे हमेशा से, और हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत थैंकफुल है इतने बड़े इवेंट में जिन्होंने हमें सहयोग किया है, एल एन सिटी ग्रुप का, रेड बुल का, रिसेंट ग्रुप अवेदा ग्रुप, और देखिए अनबैलेंस किया इसी बीच खिलाड़ी ने, और एल आर एस पटेल, मीडिया पार्टनर टिजियाना और बी एफ एम का भी, और देवी अहिल्या बात करें विश्वविद्यालय इंदौर, इस समय शानदार ये वेन्यू और कई मल्टी स्पोर्ट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एस बी के एफ का ये सेवेंथ नेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम का ये कारवां इस समय इंदौर में है और बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म देता हुआ, और हमेशा से सोच रही है पंकज गोले सर जो कि फाउंडर
ग्रास रूट लेवल के तमाम खिलाड़ियों को कैसे अच्छा मंच दिया जाए, और हमारा पीछे स्टेज देखिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई है, और पूरे इंडिया के सितारे आए हैं, पूरे भारतवर्ष के। फिलहाल देखिए इस समय ताइक्वांडो की अपने परफॉर्म कर रहे हैं, इस समय तमाम खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती से, क्या कहने, और देखिए मोटिवेट करते हुए इस समय आप देख सकते हैं तमाम जजेज और आनंद जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, बात करें खिलाड़ी के, महाराष्ट्र के खिलाड़ी को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं यकीनन तौर पे। और ऑफिशियल्स प्रॉपर तरीके से इस समय मैच को अच्छा कोऑर्डिनेट करते हुए आसाम से हैं। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ताइक्वांडो जैसे खेल बहुत लोकप्रिय है, और ये खिलाड़ी और तमाम खुशी जिस बात को दर्शाते हैं। BKF 7th नेशनल गेम्स की आज ग्रैंड ओपनिंग में देश की जानी मानी कई हस्तियां उपस्थित होने वाली है, जो अपने अपने क्षेत्र की जाने माने शख्सियत हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज शाम में उनकी उपस्थिति होगी, आइए नजर डालते हैं इन हस्तियों पर।